हेलो खमागणी सबको, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और ये है हमारे नीलम राजावत जी। ममा हुकुम। ममा अपना फुल रेडी होके आए। मैंने चीजें हमेशा की तरह बहुत मैं कम रखती हूँ ज्वेलरी, और ममा को हमारे शौक है तो ममा हमारे एकदम जितना है जो है पहन लो भैया, वैसे वाला है। तो आज हम जा रहे हैं पूजा भाई की शादी में। आज क्या है ममा फंक्शन? माता पूजन। आज माता पूजन, पिछली बार माता पूजन नहीं था। मैंने और माता पूजन, और मैंने ममा पिछली बार माता पूजन बोला था, पता है आपको? लगन था हाँ। लगन बंदी आप, और तो आज तेल जो आ रहा है, आज तेल जो आ रहा है। अब हम वहीं जा रहे हैं और मैंने बहुत सिंपल सी चीजें रखी है। मैंने क्या पूरा ड्रेस पहना है वो मैं एक क्लिप ऐड कर दूंगी, उसमें आप देखना कि मैंने क्या पहना है। और मैंने मम्मा को, हम दोनों ने बहुत सिंपल मतलब वो ड्रेस पहनी है, पोशाक हमने हैवी नहीं पहनी है क्योंकि आज इतना बड़ा कोई फंक्शन नहीं है ना मम्मा को, सब बहुत लाइट पोशाक में नजर आएंगे। तो इससे पहले देर हो जाए और कीवी भी क्रैंकी हो जाए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बीच रास्ते में रोक के फिर मैं ओपनिंग कर रही हूँ फटाक से, और चलो चलते हैं। तो मैंने ड्रेस क्या पहना है आप देख लो, ये ड्रेस मेरा फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका कलर देख लो आप, कितना ज़्यादा सुंदर है। और मैंने जो हाथों में जो चूड़ियाँ पहनी थी, जो बैंगल्स पहने थे, वो मैंने मैचिंग के ही पहने थे, मतलब जो भी ओढ़नी में अलग अलग शेड थे उससे मैंने मैच करते हुए पहने। ज्वेलरी मैंने बहुत कम पहनी थी, गले में आप देख लो हसली झुमकी मेरी फेवरेट है, छोटी सी रखड़ी, रखड़ी मुझे कभी बहुत बड़ी पसंद आती है तो कभी छोटी पसंद आती है। मैं शीशफुल पहनना कम पसंद करती हूँ, सिर्फ रखड़ी अच्छी लगती है मुझे। हमेशा की तरह आज भी मैं लेट हो गई हूँ, और आज मेरे साथ मम्मा को भी लेट हो गए भैया। सब लोग मंदिर चले गए हैं, तब हम सीधा मंदिर ही जा रहे हैं। मम्मा को इधर से, कोई बात नहीं है, मासी साहब की डांट भी खानी है अभी तक। तो यहाँ पे प्रोग्राम शुरू हो गया है, मंदिर में हम आ गए हैं, हम ऑलरेडी लेट हैं। बच्चा पार्टी क्या कर रहे हो? यहाँ पे माता पूजन का कार्यक्रम चल रहा है मंदिर में ना, माता जी की यहाँ पे पूजा होती है, ढोक लगती है लाडी की। और एक होता है ना कि कोई भी शुभ काम करने से पहले हम भगवान को मनाते हैं, और उसके बाद शादी के कार्यक्रम, शादी के रिचुअल्स, बाकी चीज़ें शुरू हो जाती है, तो एक तरह से ये वही था। और भाई साहब हमारे बहुत प्यारे लग रहे थे, ये उन्होंने सुंदर सी पोशाक पहनी थी गोटापत्ती की, जो बहुत ट्रेंड में है अभी। और गोटापत्ती एक ऐसी चीज़ है जो ऑलवेज मतलब मुझे लगता है ट्रेंड में रहता है, इसका ट्रेंड कभी जाना ही नहीं है। क्या नाम है उन भाई साहब का?
महेश्वरी हाड़ा। अच्छा कहाँ पे रहते हैं जयपुर में? मोहल्ले का नाम तो मैं यार, क्योंकि मैं जयपुर से हूँ ना, तो कभी जाऊँ तो मिल लूंगी। हाँ तो मैं आपकी बात फोन पूछ के आपको बता दें। पूछना कि कहाँ रहते हो, है ना? ठीक है, अब खुश? बहुत खुश। उसने कहा था आपका नाम भी बताया था, ज्योति। ज्योति मैं भूल गई, नाम भी बताया। मुझे नाम बहुत कैसे बताना पड़ रहा है। आप भी इधर देखो, मां से कम बैठो। दादी दादी सब घूम, दादी सब घूम। कीवी मम्मा, कीवी आई लव यू। एक बार बैठो, आप फोटो खींचो। लग जाओ दादी सब को, आंखें खोलो आंखें। ये निकू बना। आज तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास। निकुबना ये पैसे अपन आधे आधे करेंगे। बहुत पैसे आ रहे हैं आज आपके पास। क्यों ढोल बजेंगे तो आप क्या करोगे? डांस करोगे ना? डांस करके दिखाओ, बच्चों को दिखाओ डांस कैसे करते हैं। कैसे करते हैं डांस? कैसे मुंह में हाथ नहीं लेते बेटा, कैसे डांस कैसे कर रहे हो? चलो 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 चल रहे हैं। We'll be right back.
ऊपर नाचने के बाद में उसके बाद में गाने वाने शुरू कर दिए थे और सब लोग अपने अपने चॉइस से गाना लगा के डांस कर रहे थे। मैंने अपनी चॉइस से नहीं लगाया था क्योंकि ले देखे मैं एक ही गाने पर डांस करती हूँ। व्यू में अगर क्यू आपको सुनाई दे रही हो बैकग्राउंड में तो अवॉइड करो क्योंकि क्यू मेरे पास ही बैठी है। बट हाँ, मैंने पहली बार एक डिफरेंट गाने पर डांस किया, जो आपको पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट में। ये गाना बहुत ही ज़्यादा स्लो था और इस पर बहुत स्लो स्लो डांस करना था और ऐसा वाला था, तो मुझे कुछ ही स्टेप्स ऐसे थे जो मुझे आ रहे थे और मैं ले देके वही रिपीट कर रही थी। वैसे तो ना इतना कोई बड़ा टास्क नहीं होता है घूमर करने में, जितना मतलब मैं समझती हूँ बहुत कम स्टेप्स होते हैं जिनको आप करके और घूमर कम्प्लीट कर सकते हो। बट हाँ, जिन लोगों को बहुत अच्छा डांस आता है वो लोग हर गाने पर अच्छे से डांस करते हैं। तो यहाँ पर हमारी लाडी डांस कर रही है अपनी बहन और अपने भुआ सहुकुम के साथ में, और हमारे पूजा भाई साहब बहुत अच्छा डांस करते हैं और जो उन्होंने ड्रेस पहना था ना वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये बहुत पहले चला करता था लेकिन गोटापति एक ऐसी पोशाक होती है जो हमेशा ट्रेंड में रहती है, तो ये पोशाक अभी भी ट्रेंड में, मैंने बहुत से लोगों के पास देखी और पूजा भाई साहब ने भी ये पहनी थी जो कि बहुत ही सुंदर लगी। ये वाला डांस किया था मैंने भाई साहब के दादा को, यानी कि हुकुम को डेडिकेट करते हुए कि चलो भाई साहब देखन चालो आपका मतलब जो भी गाने के लिरिक्स हैं। लेकिन हाँ, हम लोग बहुत मज़े कर रहे थे और शादी एक चीज़ ही ऐसी है यार, सारे मेहमानों से मिलने का मौका मिल जाता है, आप बहुत सारे मज़े और मस्ती करते हो। यहाँ पर मैंने गाना शुरू होने से पहले ना इशारा करके मामाओं को छेड़ रही थी कि राठौड़ों की बोली प्यारी लगती है देखो, मतलब हमारी, मैं राठौड़ हूँ ना तो इसलिए मैं छेड़ रही थी मामाओं को। और मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ कि यार देखो, जो एक्चुअल में जो मारवाड़ी फील होती है ना, जो राजस्थानी गानों में भी सुनाई देती है, वो हमारी शेखावाटी वाली ही मारवाड़ी अगर आप सुनोगे तो इसीलिए मैं मामाओं को यहाँ कोटा में सबको छेड़ती हूँ कि देखो बोली तो राठौड़ों की प्यारी लगती है। फिर दिन में भाई साहब की तेल हल्दी का प्रोग्राम हुआ था और आपको पता ही है कि हाड़ौती में जो है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं बहुत सारे दिन पहले ही ये रख लेते हैं। जैसे मुझे याद है कि मेरी शादी में ऐसा हुआ था कि मेरी हल्दी जो थी, जो बान जिसको बोलते हैं या जो तेल चढ़ना बोलते हैं, वो मेरी शादी से ठीक दो दिन पहले था, पर इनके इतनी जल्दी कर दिया है। और उसके बाद में जो एक्चुअल हल्दी का प्रोग्राम होगा वो बाद में होगा, लेकिन हाँ बान पहले ही बैठ गया, मतलब तेल पहले ही चढ़ गया है भाई साहब के। चलो अब चलेंगे ऑफिस, क्यू को मैंने सुला दिया है और अब उसके बाद में मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने यूनिफॉर्म चेंज किया, यूनिफॉर्म पहन ली है, मैं मेरे कपड़े यहीं लेकर आ गई थी और अब मुझे यहाँ से जाना होगा ऑफिस, क्योंकि मैंने हाफ डे ही लिया था इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पूरा दिन क्यों ख़राब किया जाए, ऑफिस चली जाती हूँ। तो उसके बाद मुझे ऑफिस निकलना है। ऑफिस में जब मैं आ जाई ना तो मैं, एक होता ना लंच टाइम में कोई था ही नहीं, तो मैं पूरे ऐसे लग रहा था पूरे ऑफिस में मैं अकेली बैठी हूँ, खुद को ही निहार रही हूँ। ये मेरा डेस्क के पीछे और ये मेरा ऑफिस है। फिर शाम को मैं वापस आ गई। चले लो पापा, मम्मा को बाई का सामान यही था ना, बाई का सामान। चल रहे गोदी गोदी, अरे आप की तो गोदी हो, चलो चलो।